शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए, शांति सागर की लहरे, शांति। आज हमारी मुरली की डेट 11 फरवरी 2010, टाइटल है शिव के जन्मदिन पर क्रोध रूपी अक का फूल बाप दादा को अर्पण कर दर्पण बनो, पवित्र प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्रत्यक्षता को समीप लाओ। आज बाबा ने हमको इसमें अल्फाबेट्स सिखाए, ए क्यू और के। कविता का नाम शेयर करेंगे। कविता बहन आपको
हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति। जी बाबा ने जो के लिए बोला ना, बाबा ने कहा कि क्यों, क्या, कैसे, ये कह की भाषा खत्म करके एक ही के बोलना है, कमाल। तो और इसमें बाबा ने मम्मा की भी याद दिलाई कि जब बोर्डिंग स्कूल खोला था पाकिस्तान में, तो मम्मा सबको यही बोलती थी कि कह की भाषा नहीं करो, भाषा को चेंज करना है। और ए के लिए बाबा ने बोला था क्योंकि ए क्वेश्चन मार्क, क्योंकि बाबा ने कहा कि जैसे क्वेश्चन मार्क है, क्यू अगर लिखो तो कितना मुश्किल है, और अगर ए लिखो तो कितना सहज है, सेकंड में लिखा जाता है, सिंपल। तो ये बाबा ने बताया तीनों अल्फाबेट्स के लिए। जी, आज तो बाबा ने क्या मांग लिया, क्रोध ही। मतलब वैसे तो पहले भी मांगा ही है बाबा ने, लेकिन आज बोला कि ये दूसरा भूत है, इसके लिए हम लोग इसको शायद थोड़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो कोई भी भूत परेशान तो करते हैं, और क्रोध का भूत दूसरों के कनेक्शन में आता है। तो ये बाबा ने, ये विकार कब आता है, जब हम किसी संबंध संपर्क में हैं तभी आता है। और बाबा ने इसे बोला कि अपने मन में भी जब क्रोध आता है तो खुद भी क्रोध से लाचार होते हैं। ये कितनी दयनीय वाली, जो बाबा कहते हैं ना, अपने ऊपर रहम करो, तो कैसी हमारी हालत होती है कि जब क्रोध आता है तो हम खुद से ही लाचार हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा क्रोध की गिफ्ट दे दो, मन में भी नहीं और स्वप्न में भी नहीं। तो स्वप्न में कैसे आता होगा, स्वप्न में भी क्रोध आता है किसी को? वो कहते हैं ना कि जैसे विचार होते हैं, स्वप्न भी फिर उसी तरह के आते हैं। स्वप्न में भी लोग अपने आप को लड़ाई झगड़ा करते हुए देखते हैं, या फिर इस तरह लड़ाई झगड़े की सीन्स उनके सामने आती हैं, क्योंकि स्वप्न क्या है, हमारा सब कॉन्शियस है ना वो तो। अच्छा, जो जी बाबा ने बात की है ना, इसके बारे में एक बार बाबा पहले फॉर्मूला मंत्र कह लो वो दे चुके हैं कि जब भी क्रोध आए तो एक ही बात बोलना, बस, मीठा बाबा, मेरा बाबा नहीं, मीठा बाबा। मीठा एक्सपेरिमेंट करके देखा था मैंने ना एक बारी, और ये सच में मैजिक का काम करता है। जब आपको बहुत क्रोध आता है ना, तब तो बोला ही नहीं जाता मीठा बाबा। जब थोड़ा सा मीडियम लेवल का है, थोड़ा कि आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो, उस टाइम पे जब बोलो ना मीठा बाबा, और जितने दिल से बोलो, तो आप भी बाप समान क्षमा के सागर बन जाते हो। और ये महसूस होता है कि बाबा ने हम पे कितना रहम किया है, हमारी कितनी गलतियों को बाबा ने इग्नोर किया है, कितने प्यार से हमें शक्ति दी है, समझानी दी है, क्षमा भी दी है, रहम भी किया है। तो दूसरे लोग जो करते हैं, क्या वो हमारी गलतियों से भी ज्यादा बड़ी हैं, जो हम उन्हें रहम नहीं कर सकते या क्षमा नहीं कर सकते हैं? तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जो मीठा बाबा बोलने का था। और आज बाबा ने एक तरह से ना एक्शन प्लान दे रखा है कि क्रोध आए तो क्या क्या बातें ध्यान में रखो, वो शेयर करूं? हाँ जी, तो जैसे बाबा ने कहा कि क्रोध अक का फूल है, शिव पे भक्ति में अक चढ़ाया जाता है जो कि पॉइजनस होता है। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा को अर्पण कर दो, और फिर ये भी याद रखना कि जो चीज अर्पण कर दी वो अमानत हो गई, अब वो आपकी नहीं रही है, आपका उस पर कोई अधिकार नहीं है। तो संकल्प में भी अगर ये वापस आए तो याद रखना कि ये अमानत में खयानत है, और ये बात बहुत बुरी मानी जाती है, क्योंकि दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती है। फिर बाबा ने याद दिलाया कि आप कितने पावरफुल हो, ये नहीं कि अर्पण कर दिया है और फिर से आ रहा है तो आप कहो कि ये तो बार बार हो रहा है, मैं थक गई हूँ। तो थकना नहीं है, निश्चय बुद्धि होके उसको करना ही है। और बाबा जैसे हाथ भी उठवाते हैं कि कौन कौन करेंगे, तो बाबा ने कहा कि हाथ उठाना अर्थात बाप को दे दिया। फिर बाबा ने ये भी कहा कि और हिम्मत कभी भी नहीं हारना, अगर थोड़ा भी कम हुआ तो आगे के लिए हिम्मत रख के छोड़ नहीं देना, बढ़ते रहना। और ये बात एकदम महामंत्र वाली बात है कि बाप दादा कंबाइंड है, तो ऐसे समय पे अगर कुछ हो भी जाए तो बाप दादा कंबाइंड है, उसको सामने लाकर फिर अर्पण कर दो। बाबा ने इसमें ये भी बोला कि क्रोध आने का कारण क्या है। तो बाबा ने देखा कि मेजोरिटी में ईर्ष्या के साथ साथ, ईर्ष्या और साथ में कुछ भी देख कर चलते हुए वेस्ट थॉट्स का बीज भी क्रोध को लाता है।
क्योंकि वेस्ट थॉट्स है बीज और इस बीज से क्रोध भी उत्पन्न होता है, तो इसका एक ही शब्द निमित्त बनता है और वो शब्द है क्यों। ये क्यों हुआ, ये क्यों किया, ये क्यों करते हैं, इस क्यों शब्द की बड़ी क्यों है। तो इसमें बाबा ने बोला कि इस वेस्ट थॉट से क्रोध भी उत्पन्न होता है, तो और क्या क्या उत्पन्न होता है वेस्ट थॉट से? देखा जाए तो पांचों विकार ही वेस्ट थॉट से ही आते हैं। अभिमान भी तो उसी से आता है ना, ये क्या किया, मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, ऐसे करना चाहिए था, ये क्यों नहीं किया। लोभ भी ऐसे ही आता है, वेस्ट थॉट्स, पता नहीं क्या हो जाएगा फ्यूचर में, फियर आ गया, इनसिक्योरिटी आ गई, सब वेस्ट है। नेगेटिव तो है ही पर वेस्ट भी है। तो देखा जाए तो सब कुछ फालतू सोचने से ही तो होता है। हाँ जी भाई जी, आप इसके बारे में बोलेंगे कुछ क्रोध के बारे में? अभी बाकी सारे स्पीकर्स को ले लेते हैं पहले। जी, वो आज बाबा ने ये भी बोला कि क्रोध का अक का फूल बाप दादा को अर्पण कर दो तो आप दर्पण बन जाएंगे। तो एक तो बोला अक का फूल है क्रोध, मतलब जिसमें खुशबू नहीं आती है, तो फूल तो है पर अक का है, और दर्पण बन जाएंगे। तो दर्पण कैसे बन जाएंगे अर्पण करने से? गीतिका बहन आप कुछ शेयर कर रहे हैं? किसी को शेयर करना है? अंजलि बहन, कविता बहन? बाबा ने जैसे कहा कि दर्पण बन जाएंगे, माना कि जैसे बाबा ने कहा ना प्रत्यक्षता करनी है तो पहले प्रैक्टिकल में स्वयं को प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, वो प्रत्यक्ष प्रमाण देना पड़ेगा। तो हमारे वाइब्रेशंस, हमारा चेहरा और चलन, वो चीजें प्रैक्टिकल में जब हम किसी के संपर्क में आएंगे तो वो रिफ्लेक्ट होगी। क्योंकि बाबा ने कहा ना, क्रोध एक ऐसी चीज है जो संपर्क में आने से आता है, तो वो हमारा दर्पण माना वो नॉर्मली दिखाई देगा, प्रैक्टिकली जो हमारे अंदर है वो ही रिफ्लेक्ट होगा। जी कविता बहन, आपको भी इसको कुछ शेयर करना है? यही जो बाबा ने प्रत्यक्षता के लिए बोला ना, दर्पण मीन्स जिसमें सब कुछ दिखाई देता है। तो जो बाबा ने कहा ना कि पवित्र प्रवृत्ति बनाई है, तो अगर आपके अंदर लोग देखेंगे कि ये इतने रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, घर बार छोड़ के भी नहीं गए हैं, तो बाबा कहते हैं फिर क्यों आपको दिखाई देगी। और ऐसे ही क्रोध के बारे में भी बाबा ने कहा कि अगर प्रत्यक्षता चाहते हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण ये है, मीन्स हम दर्पण बन जाएं, हम में से वो चीजें दिखाई दे जो हम कह रहे हैं, दूसरों को समझा रहे हैं, तो हम में वो चीजें उनको नजर भी आए। और जैसे अव्यक्त मुरलियों में बाबा कई बार कहते हैं कि दर्पण से दूसरों को भी अपने फ्यूचर का साक्षात्कार हो जाए, तो वो खुद भी देख पाए कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं और जीवन कैसा श्रेष्ठ जिया जा सकता है। उनको वो सारी चीजें, हमारे व्यवहार, एक्चुअली दर्पण हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन, ये सब चीजें दर्पण है जिसमें बाकी सब देख सकते हैं। ओम शांति। जी आज बाबा ने शिव जयंती को विचित्र जयंती बोला, वंडरफुल जयंती बोला, और हीरे तुल्य जयंती बोला। तो बाबा ने इसमें बोला कि सारे कल्प में ऐसी जयंती नहीं होती है, और बाप दादा अकेला कुछ नहीं करता, क्योंकि जन्म लेते ही यज्ञ रचते हैं और यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए। तो आपका भी जन्म बाबा के साथ हुआ है। फिर बाबा ने भक्तों और बच्चों की भी कंपैरिजन एक दिया है, और बाबा ने वायदा याद दिलाया है कि हमने क्या वायदा किया है, साथ रहना है, और बाबा के संगम पर भी साथ रहना है, और विश्व सेवा में भी साथ रहना है, और फिर ब्रह्मा बाबा के साथ विश्व के पर राज्य भी करना है। फिर बाबा ने जो ये एक सीन बताया कि बाबा को जो दिख रहे हैं वो कितने भाग्यवान भगवान के बच्चे हैं जो सम्मुख बर्थडे मना रहे हैं और सम्मुख बधाइयां भी दे रहे हैं और ले भी रहे हैं। तो कितने भाग्यवान भगवान के बच्चे हैं जो सम्मुख बर्थडे मना रहे हैं, सभी के चेहरे खुशनुमा खुशी में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो किसी ने अटेंड किया है क्या? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा उसमें? शिवरात्रि में जब अटेंड करते हैं तो कैसा रहता है?
क्वेश्चन क्या है, रिपीट करेंगे एक बार? शिवरात्रि में अटेंड किया है क्या बाबा मिलन किसी ने? तो जैसे बाबा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हाँ, मुझे सावन लगता है कितने शायद आते ये हैं। वाली मुरली की थी, जब जो मुरली चल रही है ये शायद लाइव सुनी अच्छा, है। आपने तो कैसा रहता था? एक्चुअली जब बाबा के सामने बैठ के डायरेक्टली सुनते हैं तो हर चीज़ वो इतनी गहराई में जाती है, और ऐसा लगता है कि शायद यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और एक एक शब्द ऐसा लगता है कि ये तो बस करना ही है, तो बहुत गहराई से बात समझ में आती है वो। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है क्रोध के बारे में कि जैसे हम ये कहते हैं ना, हमें क्रोध नहीं करना है, ये तो ठीक बात है, लेकिन जब भी क्रोध आता है तो वो एक समझने की अपॉर्चुनिटी है कि ऐसी क्या बात पुरुषार्थ में रह गई है जिसके कारण वो क्रोध आया, और बाबा की मुरली में से डेली ऐसी कौन सी बात है जिससे वो बात ठीक हो सकती है। तो हर एक बार अगर क्रोध आ रहा है तो वो एक समझने की अपॉर्चुनिटी अपने आप के लिए है। और बाबा ने भक्तों और बच्चों के बारे में भी बताया कि कैसे भक्त अभी तक क्या कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी को शेयर करना ओम शांति। हाँ, बाबा ने आज कहा है कि जो भक्तों जो आज हम कर रहे हैं उसका यादगार भक्त भी कर रहे हैं। जैसे दुनिया में एक दिन या थोड़े समय के लिए व्रत रखते हैं, हमने आपने वह व्रत खुशी खुशी लिया है। हम इस पूरे पूरे जन्म के लिए, ब्राह्मण जन्म के लिए व्रत धारण करते हैं। एक जन्म जो पवित्रता का व्रत लिया है, लेकिन जन्म पवित्रता का 21 जन्म चलेगा। और जो भक्त होते हैं वो थोड़े समय के लिए खाने पीने और जागरण का कार्य करते हैं, व्रत करते हैं। लेकिन आप बच्चे एक जन्म से जागरण करते हैं, अर्थात अंधकार से रोशनी में आ गए हैं, या जागरण 21 जन्मों के लिए चलेगा। इस सारे विश्व में ऐसा जागरण किया है तो आपके जागरण से विश्व जागती ज्योति रहेगी। सारे विश्व में अंधकार से रोशनी रोशनी में लाया है आपने। तो बाबा ने पूछा, यह बेहद का व्रत अच्छा लगता है? इसमें मेहनत लगती है लेकिन अच्छा लगता है, और बच्चे मतलब मेहनत करते भी हैं। हाँ ओम जी, शांति। और फिर नीचे की तरफ भी बाबा ने बोला कि भक्तों पर बाबा को बहुत तरस पड़ता है क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, और हम तो मोहब्बत में रहते हैं और वो मेहनत करते हैं। तो आप मेहनत नहीं करना, मोहब्बत में ही रहना। तो बाबा ने तो बोला कि आपने कौन सा व्रत रखा है, तो बाबा ने तो सिर्फ एक पवित्रता की बात करी और खाने पीने की बात करी, और कौन कौन से व्रत रखे हैं बोले। जागरण की भी की हाँ, एक्चुअली इस जागरण। बाबा ने कहा ना, ये जो वर्ड यूज किया ना, बेहद का व्रत, ये अपने आप में बहुत गहरे मतलब लिए हुए है कि हमारा एक बेहद का व्रत, इस समय संगम पे हम अपनी वृत्तियों को पवित्र बनाते हैं, और उससे होता क्या है, विश्व का परिवर्तन हो जाता है। जैसे बाबा ने इसमें ये भी कहा कि आपका एक जन्म का जागरण और 21 जन्म तक इतना चलेगा, और साथ में अभी क्या होगा, सारा विश्व आपके जागरण से जागती ज्योति रहेगा। हमारा शुद्धता का एक जन्म का व्रत और पूरे विश्व को पवित्र बना देगा, पूरे विश्व को या तो मुक्ति या तो जीवन मुक्ति का वर्षा दिला देगा। और एक चीज और जो बाबा ने कही ना, कि भक्तों की अनुभूति भी कोई कम नहीं है, और इसी अनुभूति के आधार पे देखो तो भक्ति में इतने शास्त्र रचे गए हैं। वो अनुभूतियां ही तो थी ना, उनमें सच्चाइयां, ऐसी कथा कहानियां तो नहीं थी, पर उन्होंने अपनी अनुभूतियों को ही तो कथा कहानियों का रूप दिया ना, तो वो भी कुछ कम नहीं है। चाहे वो मेहनत कर रहे हैं और हमको तो फिर प्रत्यक्ष भगवान मिले हैं और बहुत सच्ची अनुभूतियां, कम मेहनत में ज्यादा प्राप्तियां हो रही हैं, वो सब है, लेकिन ये बातें भी बहुत अच्छी लगी। ओम शांति। हाँ जी, फिर बाबा ने आज रहम होने रहम कर की भी बात करी कि एक तो बाबा ने जो पहले इसमें पवित्रता, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए इस पवित्रता से ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में भी पवित्रता, पवित्रता के संस्कार सहज धारण करने वाले हो तो पवित्रता का तो संकल्प किया ही है। तो इस पवित्रता के लिए कोई अफर्मेशंस बना सकते हैं, क्योंकि तो बाबा ने आज इतना याद किया है इसको। भाई जी, आप हेल्प करेंगे? अंजलि बहन, आप बताएं थोड़ा कुछ। किसी
सोमान की अभी 2 बार से मुरली चल रही थी, तो ऐसे तो पवित्रता के बहुत सारे सोमान बाबा ने दिए हैं। ये भी डिपेंड करता है कि आपको पर्सनली कौन सा अच्छा लगता है। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ या पवित्रता की देवी हूँ। तो 5 स्वरूपों में हम अपनी पवित्रता को देख लेते हैं कि हम कितनी पवित्र अनादि स्वरूप में, वो पवित्रता का एकदम पॉइंट ऑफ लाइट, 0 स्टेज है वो। तो वो भी अच्छा लगता है। ब्राह्मण जीवन में भी ये स्वमान अच्छा लगता है कि मैं पवित्र भव की वरदानी आत्मा हूँ, भगवान की पवित्रता को मैं अपने में समा कर चल रही हूँ। तो इट डिपेंड्स। ऐसे तो बाबा ने अभी थोड़े टाइम पहले संडे को एक मुरली चलाई थी पवित्रता पे, उसमें भी दिया था कि मैं पवित्रता के बल और फल से पलने वाली आत्मा हूँ। तो बहुत सारे स्वमान है ऐसे पवित्रता के ऊपर। शांति। और इसमें एक बात मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी, जैसे हमारा ना संस्कार परिवर्तन पे बहुत सारी पॉइंट्स का एक पूरा चार्ट भी है। तो जब बहुत स्टार्टिंग में ज्ञान में आए आए थे, उसमें ये पढ़ते थे, बाबा कहते थे कि तुम्हारा आदि अनादि संस्कार पवित्रता है। अगर ये बात याद करो तो अपवित्र विचार भी नहीं आएंगे। तो उस टाइम पढ़ के भी फील नहीं होता था कुछ कि कुछ अनुभूति हो रही है या कुछ जो बाबा कह रहे हैं वैसा कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति करते हैं ना, स्पेशली बिंदु रूप में जब हम परम धाम में जाके टिक जाते हैं और बिल्कुल प्योर एनर्जी बाबा से लेते हैं और अपने पवित्र स्वरूप का अनुभव कर लेते हैं, तब फिर एफर्मेशंस काम करती है, क्योंकि एफर्मेशन में अनुभूति भी तो होनी चाहिए ना। जैसे भी कविता बेन ने कहा कि अफर्मेशन में अनुभूति होनी चाहिए, ऐसे एक अफर्मेशन में क्या क्या और होना चाहिए, शिखा बेन आप क्लियर कर सकते हैं? तो एक तो अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए और उसके साथ इमोशंस अटैच होने चाहिए। और क्या होगा, मतलब जैसे अगर अभी मैं इसके लिए करें कि नहीं, वो पवित्रता के ऐसे लिए, जिनको ऑलरेडी अकाउंट है। मेरा कौन सा अकाउंट है? सारिका को बता। उसमें एक और बात होनी चाहिए एफर्मेशन में, सब पॉजिटिव वर्ड्स होने चाहिए, कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। आज एक बहन शेयर कर रही थी, जैसे बाबा ने संकल्पों के बारे में बोला कि संकल्प ऐसे होने चाहिए जो बाप को अर्पण कर सको। तो उसने बोला, मैंने सारा दिन ये सोचा कि मैं ऐसे संकल्प नहीं करूंगी, ऐसे नहीं करूंगी, तो ऐसा सोच सोच के मैं भारी हो गई। तो हमको ये नहीं सोचना कि मैं ये नहीं करूंगी। एफर्मेशन मीन्स आप पॉजिटिव स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हो कि मैं ये करूंगी या मैं ये कर रही हूँ। जी, जैसे पवित्रता मेरे लिए बहुत आसान है, पवित्रता मेरे लिए सहज है, पवित्रता मेरे लिए नेचुरल है। बाकी भाई जी बताएंगे। इसमें जैसे किसी का हायर कॉज के संग हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, अगर सब कुछ मेरे लिए है तो हम कैजुअल भी हो सकते हैं, कभी हमें ये ख्याल भी आ सकता है कि ठीक है हमारा कल्याण नहीं भी होगा तो क्या हुआ, चलेगा। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि हमारी वजह से एक बड़े कार्य में विघ्न आ सकता है, तो हम ऑब्स्टिकल हैं उसमें या हम उसमें कैटलिस्ट हैं, या बाबा जैसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी पवित्रता की मदद चाहिए, तो एक हायर कॉज में हमारा कंट्रीब्यूशन है ये, तो इसके अराउंड भी हम अफर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। फिर बाबा ने रहम दिल होने की बात करी कि अचानक सरकमस्टेंस ऐसे आएंगे जो दुख और अशांति के कारण ऐसे बनेंगे जो आप सबको आत्माओं पर रहम आएगा, क्योंकि आप पूर्वज हो, मतलब पूज्य भी हो और पूर्वज भी हो। तो पूर्वज को कोई भी आत्मा का दुख या डिस्टरबेंस देख नहीं सकते हैं, जिससे प्यार होता है, रहम होता है, उसका दुख देख नहीं सकते। तो यहाँ पर बाबा ने फिर से समय के याद दिलाया है कि समय आपको परिवर्तन करे, इससे पहले आप पुरुषार्थ के प्राप्ति की प्रारब्ध अभी से अनुभव करो, क्योंकि आपको सिखाने वाला समय नहीं, समय आपका टीचर नहीं है। तो इसको इसको कुछ एक्सप्लेन करेंगे, पुरुषार्थ के प्राप्ति की प्रारब्ध अभी से अनुभव करो।
जैसे बाबा कहते कि पुरुषार्थ की जो प्रारब्ध है, चाहे वो खुशी के रूप में हो, शक्ति के रूप में हो, या प्रैक्टिकली जो हम कोई भी कर्म करते हैं, जो भी हमें पुरुषार्थ की प्रारब्ध अनुभव होनी चाहिए, जिसके लिए बाबा कहते हैं हर संस्कार आपका अभी वर्तमान समय में बन रहा है, तो वो हमें अभी महसूस होना चाहिए, चाहे वो शांति हो, वो गहरी पवित्रता हो, या वो स्टेबिलिटी हो जो हमारी स्टेज है। तो जितना हमें वो अभी अनुभव होता रहेगा, वही बात बाबा कह रहे हैं कि वो हमें अभी प्रैक्टिकल में फील होना चाहिए कि ये मेरी स्टेज है। और ये बहुत ब्यूटीफुल बात कि हम अभी अपने फ्यूचर को अभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि फ्यूचर में मुझे ये सब प्राप्तियां होने वाली हैं, चाहे वो शांति है चाहे वो सुख है, तो कि मैं जब देवता होंगी या जब मैं सत्युग में होंगी तो मैं कैसा एक्सपीरियंस करूंगी। उस टाइम नहीं कर सकते हैं, वो नेचुरल होगा, लेकिन अभी कर सकते हैं कि मुझे क्या क्या प्राप्ति होगी। जैसे अभी भी देखो ना, लोगों को कितना इंटरेस्ट होता है फ्यूचर जानने में कि मेरे फ्यूचर में क्या क्या होगा, मेरे पास क्या क्या होगा, वो हम अभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि क्या क्या होने वाला है। फिर बाबा ने कंबाइंड का फिर से याद दिलाया कि बाबा कंबाइंड है और कंबाइंड की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो, कुछ भी आवे तो बाप को दे देना। तो बाबा ने यहाँ पे एग्जांपल यूज किया छोटे बच्चों का कि अगर उनको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है तो वो पेरेंट्स को दे देते हैं, तो बाबा मददगार है और सदा रहेंगे। ये बाबा ने फिर से अपना वायदा फिर से याद दिलाया है कि बाबा ने वादा किया है, बाबा बंधा हुआ है मदद करने के लिए, हमें सिर्फ उनको यूज करना है और हमें जो चीज पसंद नहीं है उसको यूज नहीं करने लगना है, फिर बाबा को दे देना है। फिर बाबा ने ये जो ओम शांति का मंत्र वो बोला कि शस्त्र बना के यूज करो, जिसके पास शस्त्र होते हैं वो अपने को हिम्मत वाले समझते हैं, जैसे मिलिट्री वाले हिम्मत रखते हैं, तो ये ओम शांति का मंत्र हम कैसे यूज कर सकते हैं शस्त्र के जैसे। मुझे इस पे एक बात याद आई कि ऐसे यहाँ पे हमारे यहाँ एक बहन आती है, एक बार रिट्रीट सेंटर में मिली थी और उन्होंने बताया कि क्योंकि वो गृहस्थी है और युगल ज्ञान में नहीं चलते और उन्हें बहुत गुस्सा आता है उस बहन को, तो उन्होंने बताया एक बार मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं अपने हस्बैंड को कैसे समझाऊं, और मैंने जोर से कहा ओम शांति, और जैसे एक सेकंड में सारा क्रोध भी शांत हो गया और हस्बैंड भी शांत हो गए और सारी बात एकदम नॉर्मल हो गई। क्या ये तो नॉर्मल बात थी कि कैसे बाबा ओम शांति के मंत्र की बात करते हैं, तो इस प्रकार से भी लोग यूज करते हैं, ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन बाबा का कहने का भाव यही है कि ओम शांति कहते ही मैं अपने स्वधर्म में स्थित हो जाऊं, तो अगर वो स्वधर्म में लंबे काल का अभ्यास है स्थित होने का, चाहे परम धाम में चाहे भ्रिकुटी के बीच में, तो हमें कोई भी भूत अटैक नहीं करेगा, ओम शांति। और इसमें एक बात ये भी है कि जितना हम खुद ओम शांति मंत्र की स्थिति में स्थित होंगे ना, अपने शांति स्वधर्म को जितना डीपली हम एक्सपीरियंस करते रहेंगे, तो हम हमारे सामने भी अगर कोई आत्मा ऐसी होगी तो ओम शांति मंत्र शस्त्र का यूज काम करेगा, वो भी सामने वाली आत्मा को भी हम शांति का अनुभव करा पाएंगे, चाहे वो कितनी भी अशांत क्यों ना हो, कितनी भी दुख में क्यों ना आई हो, पर एक बार उसका मन शांत हो जाएगा। तो बाबा ने दो लोगों को याद किया, एक छोटे बच्चों को और एक मिलिट्री वालों को, तो जैसे मिलिट्री वाले हिम्मत रखते हैं वैसे ही हमें ये वाला मंत्र हिम्मत रखकर यूज करना है। फिर बाबा ने भोपाल वालों से बात करते हुए भू, तो भू धरनी को और उसके पालने पालने वाले को भोपाल कहते हैं, तो इसके बारे में शेयर करेंगे। फिर तो इसमें बाबा ने कहा आप धरनी के सितारे बन आत्माओं को उड़ाने वाले, चलाने वाले नहीं उड़ाने वाले, सबसे सहज साधन है उड़ना और उड़ाना, तो भोपाल निवासी खुद भी उड़ने वाले और औरों को भी उड़ाने वाले। देखो आज का अमृत वेला पॉइंट, बाप दादा सदा अमृत वेले वरदानों की झोली ले चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, सदा अमृत वेले बाप से ब्लेसिंग लेनी है, रोज बाप दादा बच्चों प्रति ब्लेसिंग की झोली खोलते हैं, जितना आप लोग बाप को याद करते हो बाप आपको पदम गुणा याद करते हैं, इसलिए रोज याद का रिटर्न देने के लिए चक्र लगाते हैं, बच्चे भले सोए भी पड़े हो
बाप सर्व बच्चों की देख रेख का अपना कार्य सदा ही करते हैं, कोई कैच करते हैं कोई नहीं करते हैं, वह हुआ बच्चों का पुरुषार्थ। उसी समय कैच करो तो बहुत कुछ अनुभव कर सकते हो, सारे दिन के लिए एक खुराक मिल जाएगी। तो हमारा काम क्या है, अमृत वेला वरदानों को कैच करना। और किसी को इस पे कुछ शेयर करना है? एक बात और, आज बाबा ने जो कहा ना कि समय को टीचर नहीं बनाना, उसके लिए बाबा ने मम्मा का एग्जाम्पल दिया कि मम्मा ने क्या पुरुषार्थ किया, बाप का कहना और जगत अम्बा का करना। माना हम अपने टीचर की बात माने, उन्होंने कहा और हम फौरन उसको अमल में लेकर आए, तो समय को नहीं टीचर बनाना, जब खुद भगवान हमारा टीचर बनकर आया है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी हमें एक पूछना था कि ये मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में भी पवित्रता, मतलब ये कैसे कैसे, मतलब कुछ एग्जांपल देके। जैसे बाबा ने कहा कि पवित्रता से ब्रह्मचर्य में नहीं, लेकिन मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में भी पवित्रता होनी चाहिए। कोई बताएगा? कविता बहना बताओ। इसको हम शुभ भावना से ले सकते हैं कि मन में संकल्प हमारे ऐसे होने चाहिए जो दूसरों के लिए भी कल्याणकारी और हमारे लिए भी, कोई वेस्ट या साधारण थॉट्स नहीं। और वाणी में जैसे बाबा कई बार कहते हैं, वाणी द्वारा चेक करो कि खाता जमा का हुआ। माना ऐसा एक एक बोलो जो दूसरों को प्रेरणा देने वाला हो, दूसरों का कल्याण करने वाला हो, और ऐसी संबंध संपर्क में संस्कारों का टकराव नहीं हो, लेकिन एक दूसरे के प्रति रहम क्षमा भाव और शुभ भावनाएं काम करे। और कर्म भी हमारे ऐसे समर्थ होने चाहिए जिससे अनेक लोगों को हमसे गुण उठाने का मौका मिले, हमारे अवगुण काम नहीं करने चाहिए।
शांति से होता है विकृतियों का हो, विकृतियों का हो। ओम शांति ओम शांति ओम शांति की महिमा समझे दुनिया की हर कौन, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति ओ। ज्ञान का तम